इसकी आईज देखिए, वाओ सो प्रीटी। इसको जीदा बोलते हैं। आज तक बोला मैंने कभी भंगड़ा ही नहीं किया। आप कमेंट करके बताइए कि ऐसा हो सकता है। सत श्री अकाल जी, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ते पक्की पहाड़न प्रियंका राज। अज मैं पंजाबी च गल्लां क्यों कर रही हां, क्योंकि अज मैं तुहानू किसी नाल मिलाना चाहनी हां। दोस्तों वैसे मैंने आज अपनी इंट्रोडक्शन पंजाबी में बोलने की कोशिश की, वैसे उस पंजाबी टोन में थोड़ा सा पहाड़ी टोन आ ही रहा है क्योंकि हम तो है ही पहाड़ी। तो चलिए दोस्तों, ये जो सस्पेंस है, वैसे आपको मेरा यूट्यूब का थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो वैसे आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ शाशुर मोनेस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलांग में एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है शाशुर मोनेस्ट्री। वैसे लाहौल स्पीति में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, बट कभी अगर आप केलांग हेडक्वार्टर में आएं और यहाँ पर अगर आप लोग स्टे कर सकते हैं तो आप लोग जो मोनेस्ट्री है शाशुर मोनेस्ट्री, वहाँ पर भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वहाँ पे जाएंगे और आज मैं आपको आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं हर वीडियो में इतना फंबल करने लग गई हूँ, शायद कुछ ज्यादा ही फास्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, आज मैं आपको किसी से मिलाऊंगी और बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंसान है जिससे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ वो है प्रियंका। इसका नाम भी प्रियंका, मेरा नाम भी प्रियंका, प्रियंका प्रियंका, दोनों प्रियंका। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन से ही साथ में है। तो कैसा लग रहा है पिंके लाहौल आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। और मोनेस्ट्री जाने के लिए एक्साइटेड हो? ये सुपर एक्साइटेड। तो दोस्तों, अभी हम केलांग से निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ये जो आपको स्ट्रेट रोड दिख रहा है ये ले जाएगा हमें कुल्लू मनाली, बट हम जाएंगे यहाँ से लिंक रोड के लिए, जो हमारी जो डेस्टिनेशन है आज की शाशुर मोनेस्ट्री। तो अभी हम इस रोड से जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि है हमारी शाशुर मोनेस्ट्री। तो अभी मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। सत श्री अकाल जी। हेलो हेलो जी, हेलो किवें आ? बढ़िया बढ़िया। देखो दोस्तों, अब मैंने थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी सीख ली। आप मेरी यूट्यूब फैमिली को कुछ बोलना चाहते हैं पंजाबी में? मैं बस यही कहना चाहना कि मैम दा जिहड़ा ब्लॉग है उन्हें कंटिन्यूअली देखो तुसीं प्रॉपरली, ते इन्हां दे केड़ा चैनल है उन्हें सब्सक्राइब करो। ओ थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे साथ और है पंजाब से, सत श्री अकाल जी। कैसा लग रहा है आपको लाहौल में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों, साथ में ही मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। देखिए दोस्तों, जो है आधा पंजाब आधा हिमाचल, मिनी पंजाब। शुभम कैसा लग रहा है आपको भी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना लाहौल घूमने के लिए? बहुत सुंदर जगह है। आप, मैं तो यही बोलूंगा सब लोग यहाँ आए घूमें, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। चलो जी, अब हम दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है मोनेस्ट्री में, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये शाशुर मोनेस्ट्री, इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुना देती हूँ। सबसे पहले तो शाशुर मोनेस्ट्री के नाम से शुरू करते हैं दोस्तों। शाशुर, शाह मतलब ब्लू एंड शुर मतलब पाइन्स, मतलब ब्लू पाइन्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है शाशुर मोनेस्ट्री, क्योंकि जो ये हमारी शाशुर मोनेस्ट्री है इसके चारों तरफ ब्लू पाइन्स के पेड़ हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है शाशुर। तो दोस्तों, अब जाते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। जो हमारी ये मोनेस्ट्री है ये बनी है हमारी 17th सेंचुरी में, जो भूटान के राजा थे नावांग नामग्याल जी, उन्होंने अपने एक लामा जी जिसको देवा ग्यात्सो कहा जाता है, देवा ग्यात्सो जी को बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ इस जांस्कर से इस लाहौल वैली में भेजा था। तो जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक यहाँ पर स्टे किया और फिर वो यहीं पर ही रहे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और जैसे ही उनकी डेथ हो गई, उसके बाद जब उनको जलाया जा रहा था तो उनका जैसे पूरा शरीर तो जल गया, बट जो उनका हार्ट है, जो उनका दिल है, वो फिर वो बिल्कुल भी नहीं जला, मतलब उसे कुछ नहीं हुआ। तो जो स्टैचू बनाते हैं उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्टैचू की मूर्ति है, जिसकी फ़ोटो मैं अभी यहाँ पर लगा दूंगी साथ में वीडियो के साथ, तो आप उस स्टैचू की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। तो उस स्टैचू में उस दिल को उसमें फिक्स कर दिया, तो इसलिए यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। और जो यहाँ के दो दूर दूर से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, तो बस बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये मोनेस्ट्री बनी थी और अब ये यहाँ पर बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसका देखते हैं अंदर क्या क्या है, मैं आपको अंदर का दर्शन करवा देती हूँ। आप क्या बता रहे थे इसके बारे में, दरवाजे के बारे में? ये पहले पहले ऐसी अच्छी जी, जो पहले पहले कारपेंटर लोग बनाते थे ना,
पहले के नहीं होते थे, खुद लोग बनाते हैं जी, मतलब ये खुद से बनाए हुए हैं डोर ना पुराने टाइम का जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और यहाँ पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सालों साल पुरानी पेंटिंग्स है, मतलब जो कि एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं, ये मॉन्क हैं सारे। तो दोस्तों ये सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है जिसको थांगा बोलते हैं, जिसको अभी क्लोज करके रखा जाता है। जब यहाँ शाशुर मोनेस्ट्री में एक छम डांस होता है अब जुलाई में, तो उस समय हर मोनेस्ट्री से जो भी लामास वगैरह आते हैं तब इसको खोला जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मोनेस्ट्री के अंदर जो भी ये काम किया गया है ये सारा हैंड कार्विंग से किया गया है, पुरानी जो पेंटिंग्स है जो पेंट यूज होता था उससे यहाँ पर किया। देख सकते हैं आप कितने सुंदर डिजाइंस हैं। और ये जो लकड़ी है ये शूर है, ये शूर की लकड़ी से बना हुआ है। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी शूर की लकड़ी का पेड़ कि वो कैसा दिखता है, और तभी इसका नाम भी शाशुर पड़ा है। और जैसे ये जो मोनेस्ट्री है ये बाहर से मतलब रेनोवेट हुई है, बट अंदर से वैसी की वैसी है जैसे ये 500 से 600 साल पहले थी। तो दोस्तों ये है शूर के पेड़ जिसकी वजह से यहाँ मोनेस्ट्री का नाम भी शाशुर पड़ गया है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री के चारों तरफ मतलब ये ब्लू पाइन्स के बहुत से पेड़ हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ यही पेड़ है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब यहाँ पर जो देवाग्यात्सो जी की जो मूर्ति बनाई गई उसके साथ साथ में यहाँ पर नवांग नाम्ब्याल जी का स्टैचू भी यहाँ पर रखा गया है। और ये जो हमारी मोनेस्ट्री है ये 3 स्टोरीज है। और दोस्तों ये अभी भी अंदर से वैसी की वैसी ही है, मतलब इसमें कोई रेनोवेशन का काम नहीं किया गया है। अंदर से जैसा ये 500 से 600 साल पहले थी ये वैसी ही मोनेस्ट्री है, बस इसमें बाहर से थोड़ी सी रेनोवेशन की गई है बट अंदर से अभी भी वैसी है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम इसके ऊपरी स्टोरी पे, नेक्स्ट स्टोरी पे, और देखते हैं वहां से बाहर का व्यू कैसा लगता है और ऊपर क्या क्या है। अभी हम जा रहे हैं उसके नेक्स्ट स्टोरीज पे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और ये शायद टॉप स्टोरी के लिए रास्ता होगा। अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मतलब जो भी डिज़ाइन है, मतलब जिस तरह से यहाँ पर ये वर्क किया गया है ना दोस्तों, सच में बहुत ही सुंदर वर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों कितनी सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, आर्किटेक्चर किया गया है। और इसको जिदा बोलते हैं मतलब बुद्धिस्ट लैंग्वेज में, और मतलब चिन्ह है ये इसका, तो बहुत ही सुंदर है। और देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना सुंदर व्यू है, और यह देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है, दिल को आनंद मिल रहा है दोस्तों। मैं बोल रही हूँ दोस्तों स्वर्ग लाहौल में ही है। और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पेट मिला है, कामो कामो, थक गया ये, खाना खा लिया कामो, हेलो कामो, नामो। देखिए दोस्तों कितना सुंदर है, इसकी आईज देखिए, वाओ सो प्रिटी। तो फाइनली अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी ये मोनेस्ट्री? अल्टीमेट एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ शाशुर मोनेस्ट्री। हाँ जी, और सर ने तो आज बहुत सारी फोटोज ली, पिछले कल भी बहुत सारी फोटोज ली, फोन भर तो नहीं किया आपका? पता चले हिमाचल आए और हिमाचल से फोन भर के ले गए, किससे? फोटोज से। देखिए दोस्तों ये मोनेस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, सामने स्तूपाज हैं और इधर सामने भी, और यहाँ पर भी पीछे स्तूपाज हैं। और ये हमारी मेन मोनेस्ट्री है, मतलब बहुत सुंदर है दोस्तों। अगर आप लाहौल आएँ तो ज़रूर शाशुर मोनेस्ट्री आना। और अभी यहाँ देखिए दोस्तों ये एक स्तूपा है बहुत सुंदर से, मतलब काफ़ी बड़े हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ जब भी हम मोनेस्ट्रीज में आते हैं इसकी एक अलग ही बात है दोस्तों। और यहाँ पर भी बुद्धिस्ट लैंग्वेज में कुछ लिखा है शायद, जैसे मैक्सिमम टाइम पत्थरों में यही लिखा होता है, ओम माने पद्मे हम, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी यही लिखा होगा। वैसे ऐसे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या लिखा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर शूर के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तभी तो यहाँ पर नाम है शाशुर। और देखिए चारों तरफ शूर के ही पेड़ दिखाई देंगे आपको, और साथ में ये हमारी प्यारी सी मोनेस्ट्री।
देखिए दोस्तों, ये जो हमारे साथ जो पंजाब से आए हैं, ये बोल रहे हैं कि आज तक बोला मैंने कभी भंगड़ा ही नहीं किया। आप कमेंट करके बताइए कि ऐसा हो सकता है कि पंजाबी हो गया आपने भंगड़ा ही नहीं किया हो कभी। है सर, अपन का पीछा हो गया। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये जो शाशु मोनेस्ट्री का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। हमने मोस्ट प्रोबेबली पूरी कोशिश की कि अब मैं मैक्सिमम चीजें आपको कवर करके दिखाऊं। तो इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिल देन बाय बाय।